राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय, आज जानेंगे जून माह में होने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में। क्या ये भारत में रहने वाला है या नहीं, यह इस ग्रहण का प्रभाव किन किन राशियों पर होने वाला है, और साथ ही में जानेंगे क्या सूतक काल मान्य होगा या नहीं, और यह ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, इसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जानेंगे विशेष दो उपाय जो इस ग्रहण पर आप कर सकते हैं और आपका जीवन बदल जाएगा। आपके सभी संकट, समस्याएं, रोग, व्याधियां सब नष्ट हो जाएंगे। बहुत ही सरल है, सहज है, आप बड़ी आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो जरूर देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अद्भुत जो ज्ञान है वह आपको कैसे प्राप्त होगा। तो ऐसे ही रहस्यों से भरी हुई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं सूर्य ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रह पर राहु का प्रभाव होने लगता है, राहु सूर्य को ग्रासता है, तो उस समय सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और इसका प्रभाव 12 राशियों पर कहा जाता है। जो हमारी 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, सभी पर इनका प्रभाव कहा जाता है। लेकिन कुछ विशेष राशियां हैं जिन पर इस ग्रह का प्रभाव रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण कब है। सूर्य ग्रहण 10 जून को लग रहा है, लेकिन इसका प्रभाव जो है भारत में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप से जाना जाएगा, क्योंकि यह ग्रहण आंशिक रूप में लग रहा है। इसका जो प्रभाव है वह बाहर देशों में लगने वाला है, जैसे कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव जब यहाँ नहीं है तो सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब ग्रहण होता है तो सूतक काल 12 घंटे पूर्व लग जाता है। सूतक काल में जो देव प्रतिमाएं हैं सबको आच्छादित कर दिया जाता है, वस्त्र से ढक देते हैं ताकि उन पर इसकी किरणों का प्रभाव ना हो, अन्यथा मूर्तियां कई बार खंडित या दूषित हो जाती हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो आप विधिवत रूप से आप पूजन करते रहिए, क्योंकि इसका प्रभाव नहीं है। तो आप सारा जो कार्य है, पूजा पाठ है, जप तप आदि, वो आप सामान्य रूप से करते रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 1:42 से आरंभ होकर शाम को 6:41 तक रहने वाला है। चलिए जानते हैं किस राशि पर इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव रहने वाला है। इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव वृषभ राशि में रहेगा, क्योंकि यह ग्रहण वृषभ राशि में ही घटित होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जिस भी राशि में ग्रहण घटित होता है उस राशि के जातकों को बड़ा ही संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पावर है वह कमजोर हो जाती है। इस समय उन्हें बड़े ही साधना, भक्ति, भजन भाव में रहना चाहिए ताकि ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो वृषभ राशि वालों को बड़े ही सौम्य स्वभाव से रहना चाहिए, भगवान की भजन साधना आदि करनी चाहिए, जिससे उनको एनर्जी प्राप्त हो सके। और साथ ही में दो राशियां और हैं, एक तो सिंह राशि और दूसरी है वृश्चिक राशि, क्योंकि सिंह राशि के ये स्वामी बनते हैं और वृश्चिक राशि यानी कि इनकी सप्तम दृष्टि। तो दो राशियां और हैं, कुल मिलाकर 3 राशियों पर विशेष प्रभाव रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक बहुत ही सावधानी से रहें, सिंह राशि वाले जातक बहुत सावधानी से रहें, और साथ ही में वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं बहुत ही सावधानी से रहें। इन पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव अधिक रहने वाला है। इनको विशेष कौन से दो उपाय करने चाहिए, चलिए वह जानते हैं, जिनसे इनको एनर्जी ऊर्जा प्राप्त हो सके। इनको ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप तीनों राशियों वालों को प्रातःकाल स्नान आदि करके अपने पूजा घर में बैठकर इस मंत्र की 11 माला जपनी चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से आपकी राशि के ऊपर जो नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव होगा वह आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, आपको कष्ट प्राप्त नहीं होगा। इस मंत्र की यह ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही में दूसरा उपाय ये करें, एक चौमुखा दीपक इस दिन संध्या के समय, शाम के समय यदि पीपल का वृक्ष है वहाँ जाकर जला सकते हैं, या कोई पास में शनि मंदिर है तो वहाँ जाकर जला सकते हैं। वहाँ जाकर शनि चालीसा का एक बार पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसी अमावस्या को शनि जयंती भी रहेगी। तो इस कारण इस अमावस्या को जाकर भगवान शनिदेव के सम्मुख चौमुखा दीपक लगाएं, शनि चालीसा का पाठ करें। तो ये दो महादिव्य प्रयोग हैं जो आपको अत्यंत लाभ प्रदान करेंगे और जीवन में चल रहे सभी संकट, दोष आदि सब समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, और भी चैनल पे नई नई वीडियो आती रहती हैं, जिसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वीडियो अच्छी लगे मित्रों तक अवश्य पहुंचाते रहें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, ऊर्जा से संपन्न रहिए। श्री राधे।